के प्रति प्यास है, इसलिए निवेदन किया जाना चाहिए। मैं जहां भी अवसर मिल जाता है पूज्य तरुण सागर महाराज के प्रवचन में सुनता हूँ, पानीपत में भी सुना, फरीदाबाद में भी सुना, और फरीदाबाद में मैंने प्रार्थना की थी कि आप इस बार चतुर्मास चंडीगढ़ में करिए, आपने उसको स्वीकार किया, मैं उनका भारी हूँ। वो जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कोई 25 लोग थे और उनके साथ 2.5 घंटा बैठक चली, पूरा मेरा शिक्षा विभाग था और उसमें जो समस्या है उसका हमने समाधान कर लिया। आपकी सरकार आने के बाद जो रिजल्ट आया 3% का सुधार जरूर हुआ? नहीं नहीं, 3% का नहीं हुआ, +2 में 12% का सुधार हुआ। और इस बार राजकीय महाविद्यालय राजकीय विद्यालय के बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान पर आए, यहीं आपके पड़ोस में कनीपला कुरुक्षेत्र जिले का विद्यालय है, प्रथम और द्वितीय स्थान पर राजकीय विद्यालय के बच्चे आए। और 10वीं में इस बार राजकीय विद्यालय का जो परिणाम था वो 64% था, प्राइवेट स्कूलों का जो परिणाम था वो 62% था, और मैट्रिक में भी महेंद्रगढ़ जिले की एक अनन्या यादव लड़की सुरजनवास गांव महेंद्रगढ़ से 11 किलोमीटर है वहां की बच्ची इस बार प्रथम स्थान पर आई। CBSE के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें चारों लड़कियाँ वो हरियाणा की हैं, सुकृति गुप्ता हरियाणा की है, मुदिता फरीदाबाद की है, सौम्या उप्पल यहाँ करनाल की है, पलक गोयल यहाँ हरियाणा की है। CBSE में ऑल इंडिया में चारों लड़कियाँ, ये हमारे नरेंद्र भाई ने जो 22 जनवरी पानीपत में कार्यक्रम शुरू किया था, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं समझता हूँ ये उस अभियान की सफलता है। दलाल जी आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को भिखारी तक कह डाला है और के उनको विकास के लिए नीति की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर? कांग्रेस के लोगों के पास 60 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के शब्दकोश में गाली के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि 60 साल में देश का बंटा ढार कांग्रेस ने किया, 2 साल में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारतीयता का डंका बज रहा है। अब 21 जून को नरेंद्र भाई मोदी चंडीगढ़ में योग करेंगे और 180 देश, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, भारतीयता को जिन्होंने स्वीकार किया, भारतीयता का नेतृत्व जिन्होंने स्वीकार किया, 180 देश 21 जून को पूरी दुनिया में भारत की जो जीने की कला है, जो योग है, उसको स्वीकार किया। क्या डायरेक्शन में लगा कि काफी कमियां छोड़ी हैं? ऐसा है ना जी, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑल राइट्स टू कमेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट, परंतु क्योंकि ये अभी माननीय अदालत में विचाराधीन है, आई विल नॉट कॉमेंट ऑन इट। हम 9455 जो JBT टीचर्स हैं जिनका साइंटिफिक वेरिफिकेशन हमने कर लिया था, उनको हम अपॉइंटमेंट देने जा रहे थे तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि अभी कुछ दूसरी तरह के अध्यापक वहाँ चले गए, और माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इसका फैसला हम अगली तारीख पर करेंगे। भूख लगे तो क्या खाए, दलित तो भूख लगे, समस्या दोनों के सामने सामने है, गरीब आदमी समस्या दोनों के सामने। दो दोस्त बात कर रहे थे समस्या दोनों